माननीय महोदय जी, जैसा कि विषय के अनुसार जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिव खोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर क्रूर पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों का कायराना हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना है। इस क्रूरतम दृष्टकृत से पूरा देश आहत है और तीव्र आक्रोश में है। जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 हटाने के बाद एक आशा की जोत जगी है, लेकिन लगता है उग्रवादियों का मनोबल अभी कम नहीं हुआ है। हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्या की घटनाएं बड़ी हैं। इन सब के पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। देश के नई सरकार के शपथ के समय इस प्रकार का दुस्साहित कृत्य इस करके इस्लामी आतंकवादियों ने देश के संप्रभुता को चुनौती दी है। हिंदू टाइगर फोर्स संगठन इस कायराना हरकत की घोर निंदा करता है एवं आपसे निवेदन करता है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए निर्णायक और कठोर कदम उठाने का निर्देश दें तथा इस प्रकार के तत्वों को संरक्षण देने वाले आंतरिक व विदेशी तत्वों को भी कठोरता से समुचित इलाज हो ऐसा केंद्र सरकार से सुनिश्चित कराने का आग्रह करें। हमारे श्रद्धालु जो वैष्णो देवी गए रहे, तो उस गाड़ी में आतंकियों द्वारा हमला किया गया। उसमें छोटे छोटे बच्चों का भी दर्द उसमें नहीं देखा गया। उनके साथ अत्याचार हुआ, मारे पीटे और उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। तो हम चाहते हैं कि आतंकी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मेरा नाम यशोदा ठाकुर। चलो बताएं, आज आप लोगों ने कहां पर और क्या किया है और क्या मांगे हैं? आज हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को ज्ञापन दिया गया है एवं पुतला दहन किया गया कि जो आतंकवादी संगठन ने हमारे जम्मू कश्मीर में हिंदू श्रद्धालु की बस पर जो कि पाकिस्तान के द्वारा पनप रहे उन्होंने हमला किया है, तो हम इसकी कठोर निंदा करते हैं एवं सजा की मांग करते हैं। इनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए एवं प्रशासन एवं केंद्र सरकार की तरफ से इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए। इससे समाज, हिंदू समाज जो है एवं संगठन है जो हिंदू, वो बहुत आक्रोशित है। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की इससे मांग करते हैं केंद्र सरकार से, अमित शाह जी से, नहीं तो फिर इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। जय श्री राम। आज आप लोगों ने कहां पर और क्या किया है? मालवीय चौक में हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था, जो कि बहुत ही भव्य रूप से किया गया एवं इसमें मीडिया एवं संगठन के सभी लोगों का बहुत अच्छा योगदान मिला हमें, और इसके आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे अगर कुछ इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी। आपका नाम बोलिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष हिंदू नितेश पटेल, हिंदू टाइगर फोर्स।